हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज है हम प्रेम मोटर्स गुड़गांव में एंड आज हम आपके सामने लाए हैं मारुति जिम्नी। एंड करंट टाइम पे भाई ये कार की ना सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है एंड काफी लोग चाहते थे इसका जीटा वेरिएंट कवर करना, तो आज इसीलिए हम आपके लिए जीटा वेरिएंट कवर कर रहे हैं इस कार का। तो ये जो है जीटा ऑटोमेटिक वेरिएंट है एंड ये कार स्टार्ट होती है 12.74 लाख एक्स शोरूम से एंड जो इसका जीटा वेरिएंट है ऑटोमेटिक वेरिएंट वो आपको कॉस्ट करता है 13.94 लाख एक्स शोरूम। तो गाइस बात करते हैं इसके वॉक अराउंड की एंड सबसे पहले जो आपको इसका फ्रंट लुक देख के सबसे पहले जो नजर जाती है वो जाती है इसकी ग्रिल पे। तो ग्रिल अगर आप इसके देखोगे तो इसमें आपको एक क्रोम का यूज दिखाई देगा, साथ में साथ यहाँ पे एक ग्रे कलर के साथ इसका कॉम्बिनेशन किया गया जो काफ़ी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड बात की जाए इस वेरियंट में आपको हैलोजन सेटअप मिलता है, प्लस हैलोजन में ही आपको इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। ये जीटा वेरिएंट है, एक तरह से बेस वेरिएंट भी है। तो इस कार में आपको फॉग लैम्प मिसिंग मिलेंगे, बट फॉग लैम्प के लिए आपको प्रॉपर हाउसिंग दे रही है, तो आप शोरूम से या बाहर आफ्टर मार्केट कहीं से भी इसके फॉग लैम्प इसमें फिट करा सकते हो। उसके ओवरऑल अगर बात की जाए बम्पर की क्वालिटी की, तो बम्पर की क्वालिटी भी अगर मैं बताऊँगा तो डिसेंट क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में इसका बम्पर भी दिया हुआ है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए जो मेन चीज़ जो मिस होती है इसमें और इसके अल्फ़ा वेरिएंट पे, इसमें आपको हेडलाइन वॉशर नहीं मिलता जो कि आपको इसके अल्फ़ा वेरिएंट में मिल जाता है। इसमें एक आगे आपको फ्रंट में हेडलाइन वॉशर मिस है और एक फॉग लैम्प मिस है। इसके अलावा फ्रंट प्रोफाइल से कार ऑलमोस्ट जीटा और अल्फा दोनों सेम ही लगती है। तो ये तो रहा इसका फ्रंट प्रोफाइल, अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में एंड देखते हैं कि साइड प्रोफाइल से ये कार कैसी है। सो गाइस अब बात करते हैं कार के साइड प्रोफाइल की। अगर आप इस कार को साइड लुक से देखोगे तो आपको एक प्रॉपर बॉक्सी डिज़ाइन के साथ ये कार आती है एंड इसके जो बड़े बड़े ग्लासेस है आपको अंदर जब आप इसके आगे कैबिन में बैठोगे तो आपको काफ़ी एयरी फील कराएंगे, आपको कहीं से भी अंदर दबा हुआ सा फील नहीं होगा। काफ़ी बड़े बड़े ग्लासेस इस कार में दिए गए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो आपको फेंडर पे ही इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी गई है, तो इसका इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिल जाएगा। एंड उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े ORVM इस कार में दिए गए हैं जो आपको ऑफ रोडिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प लेंगे, बिकॉज इससे जो आपको विजिबिलिटी मिलेगी बाहर से वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। एंड ये जो ORVM है ये आपको ऑटो एडजस्टेबल मिलते हैं, ऑटो रिट्रैक्टेबल का ऑप्शन जीटा वेरिएंट में नहीं मिलता। ऑटो रिट्रैक्टेबल ORVM आपको अल्फा मॉडल में मिलेंगे इसके। उसके अलावा जीटा वेरिएंट में आपको बॉडी कलर डोर हैंडल नहीं मिलते, आपको इसमें ब्लैक कलर में डोर हैंडल दिए गए हैं, साथ साथ आपको रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन भी इस वेरिएंट में नहीं मिलता। एंड अगर हमें बात की जाए कार के टायर प्रोफाइल की, तो इस कार में आपको 15 इंच के टायर दिए जाते हैं। इस कार में आपको अलॉय व्हील का सेटअप नहीं मिलता, पर जो उसके स्पोक व्हील भी है ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। एंड जो इस कार की इसकी टायर प्रोफाइल है वो है 195/80/R50, जो ओवर 15 इंच के ब्रिजस्टोन के इसमें टायर आपको मिलते हैं। ये हाईवे ट्रेन टायर है तो और काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रिप देते हैं ये आपको हाईवे में जब इस कार को ड्राइव करोगे, और काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ये एक लाइफस्टाइल प्लस ऑफ रोडर व्हीकल है। तो आप इसको जरूरी नहीं है इसको आप हमेशा ऑफ रोड ही ड्राइव करोगे, इसको आप हाईवे पे भी चलाओगे तो उस हाईवे पे ये जो टायर्स दिए गए हैं ये काफ़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इस कार को। इस बात की जाए इस कार में मिलने वाली ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इस कार में आपको 210 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है जो काफ़ी हेल्प करती है इस कार का ऑफ रोड कंडीशन में। सो गाइस अब बात करते हैं कार की रेयर प्रोफाइल की। जैसे आप रेयर प्रोफाइल में देख रहे हो ये स्पेयर टायर भी आपको सेम साइज़ का मिलता है, 15 इंच का स्पेयर टायर आपको इसमें मिलता है। साथ ही साथ इस कार में इसके जीटा वेरिएंट और अल्फा वेरिएंट में आपको एक फीचर का फर्क दिखाई देगा, वो है इसका रिक्वेस्ट सेंसर। इसके अल्फा वेरिएंट में आपको इसके बैकडोर में रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, वहीं जीटा में ये फीचर मिस है। उसके अलावा इस कार में आपको और बाकी सारे फीचर्स मिलेंगे। आपको इस कार में रियर वाइपर मिल जाएगा, रियर डिफॉगर मिल जाएगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाएगा, प्लस ऊपर आपको एंटीना की प्लेसिंग दी गई है। इसके अलावा बात करूं तो नीचे आपको रिफ्लेक्टर प्लस इंडिकेटर दिया गया है। एंड इस कार में आपको 4 रिक्वेस्ट सेंसर भी दिए गए हैं। एंड बात की जाए कैमरे की प्लेसमेंट की, तो कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको ऑल ग्रिप की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। सो गाइज अब करते हैं इस कार का बूट एक्सेस एंड दिखाता हूँ मैं आपको कि इस कार में आपको कितना बूट स्पेस मिलता है। जैसे आपका इसका बूट ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा इसमें आपको हाइड्रोलिक का ऑप्शन मिलता है, तो आपको बूट एक्सेस करने के लिए कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ इस कार में आपको मिलता है 211 लीटर का बूट स्पेस। साथ ही साथ ये जो सीट्स इसमें आपको दी गई है ये 50-50 फोल्डेबल सीट्स हैं, तो आपको अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो उस कंडीशन में और आप दो ही लोग ट्रैवल कर रहे हो तो उस कंडीशन पे आप इस सीट को फोल्ड करके अपना बूट स्पेस बढ़ा सकते हो।
तो उसके बाद सीट फोल्ड करने के बाद आपके पास काफी ज्यादा बूट स्पेस बन जाता है। इसके अलावा इसके बूट में ही आपको एक बूट लैंप ऑफर किया गया है, प्लस एक 12 वॉट का सॉकेट भी यहीं पे आपको मिल जाता है। तो अगर आपका कोई ऐसा आइटम है जिसको आपको पावर की जरूरत है तो आप उसको बूट में रखे रखे चार्ज कर सकते हो। सो गाइस ये तो रहा इसका बूट। अब चलते हैं इसके अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से इसका सीट कंफर्ट और इसका इंटीरियर कैसा है। सो सबसे पहले एक्सेस करते हैं इस कार की रियर सीट एंड देखते हैं कि रियर सीट में आपको कितना कंफर्ट मिलता है। सो एज ये एक ऑफ रोडर कार है, तो अगर आप इसकी रियर सीट में एक्सेस करने की बात करेंगे तो जैसे कि आपको पता है कि ये कार एक थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज के साथ आती है एंड ये कॉम्पैक्ट साइज कहीं ना कहीं इसको सिटी में चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी करता है, बिकॉज इस कॉम्पैक्ट साइज की वजह से इसको सिटी में चलाना बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर मैं सीट पीछे के रियर सीट कंफर्ट की बात करूँ तो सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा आपको थाई सपोर्ट कम मिलता है कंपेयर करूँ बाकी कार से, बट आपको लेग रूम अच्छा डिसेंट इनम मिल जाएगा, तो लेग रूम में आपको कोई फाइट देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा रिक्लाइन एंगल, इसके कार को आप दो एंगल पे रिक्लाइन कर सकते हो, तो अगर आपको हल्का सा इसको कार और पीछे रिक्लाइन जाती है, तो अगर मैं इसके पूरे रिक्लाइन एंगल की बात करूँ लास्ट एंड तक, तो रिक्लाइन सीट रिक्लाइन एंगल के हिसाब से कंफर्टेबल हो जाती है। बस थोड़ा सा जो कमी मुझे लग रही है वो थोड़ा सा थाई सपोर्ट की लग रही है, उसके अलावा जो सीट की कुशनिंग और कंफर्ट है वो काफ़ी सही है। एंड अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो दो एडल्ट इस सीट पे बैठ सकते हैं आराम से विदाउट एनी लाइक डिस्कम्फर्ट। इसके अलावा इसके अगर मैं रियर डोर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इसके विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको इसका डोर लॉक दिया गया है एंड ये ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दिया गया है। तो भाई जैसे कि एक रगेड फील आ रही है इस कार पे बैठते हुए, जो एक जिम मारुति जिप्सी की जो लेगेसी है वो ये कार आगे फॉलो कर रही है एंड एक काफ़ी रगेड लुक के साथ आ रही है। एंड अगर मैं प्लास्टिक क्वालिटी की बात भी करूँ ना तो बहुत अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी भी दी गई है इसमें पीछे। अब चलते हैं कार के फ्रंट में एंड देखते हैं कि फ्रंट सीट कितनी कंफर्टेबल है कार की। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया ये इसका जीटा वेरिएंट है, एक तरह से इसका बेस वेरिएंट ही है, तो इस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अब चलते हैं कार के अंदर और मैं दिखाता हूँ कार का अंदर से इंटीरियर कैसा है। सो गाइस हम आ गए हैं कार के अंदर और अगर मैं अंदर से इंटीरियर की बात करूं तो सिंगल शेड में आपको इसका इंटीरियर मिलता है, पूरा ब्लैक का यूज़ किया गया है, साथ ही साथ यहां पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ग्लव बॉक्स, छोटे साइज का ग्लव बॉक्स है, थोड़ा सा स्पेस आपको यहां पे देखने को मिलेगा। प्लस इस कार में आपको जीटा मॉडल में आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि स्मार्ट प्ले प्रो ऑप्शन के साथ आता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एसी के कंट्रोल, मैनुअल एसी आपको इस वेरिएंट में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे आपको विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ नीचे आपको 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको उसका 4x4 का ऑप्शन। इसके अलावा नीचे आपको इसके आपके हैंड ब्रेक की प्लेसिंग देखने को मिल जाएगी एंड यहीं पर आपके रियर सीट के विंडोज़ के कंट्रोल दिए गए हैं। ओवरऑल बात करूँ तो यार ये कार जिस पर्पस के लिए बनाई गई है, ऑफ रोड प्लस लाइफस्टाइल, ये उस पर्पस को पूरी तरह से फुलफिल करती है एंड आप इसको सिटी में यूज़ करो चाहे ऑफ रोड में, दोनों ही कंडीशन में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। बात करूँ फ्रंट सीट के कंफर्ट की तो कंफर्ट काफ़ी अच्छा है फ्रंट सीट में, सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा एंड कुशनिंग भी सीट सी काफ़ी अच्छी है, प्लस फ्रंट सीट में आपको प्रॉपर थाई सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फ्रंट सीट मैं कहूँगा पहले रियर सीट से ज़्यादा कंफर्टेबल है इसकी, तो फ्रंट सीट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फ्रंट सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इस कार की। सो इसके अलावा बात करूँ स्टीयरिंग की तो यही स्टीयरिंग ऑप्शन आपको इसके स्विफ्ट में भी देखने को मिलता है, यहाँ पे आपके म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल इस वेरिएंट में नहीं मिलते। इसके अलावा बात करूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो आपको टैकोमीटर स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, सेंटर में MID दे रखी है जिसपे आपको कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी देखने को मिल जाएंगी। तो भाई ओवरऑल अगर बात करूं भाई इस कार की तो मेरे हिसाब से तो अभी तक जो कार ऑफर की जा रही है लाइफस्टाइल कार बोल के, उन सबसे बेटर ये बोलूंगा इस कार को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इसको आप चाहे सिटी में ड्राइव करो चाहे ऑफ रोड पर ड्राइव करो, हर कंडीशन पे ये आपको एक बढ़िया रिजल्ट देती है। तो अगर आप चाह रहे हो इस कार के बारे में और डिटेल्स जानना तो मैं आपको कॉन्टैक्ट पर्सन के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।
और अगर आप चाहते हो कि हम इसके अल्फा वेरिएंट को भी कवर करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इसके अल्फा वेरिएंट को भी हम बहुत जल्द कवर करेंगे और इसका ड्राइव रिव्यू भी आपके सामने हम बहुत जल्द लेके आएंगे। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।